बताया गया दे आसीत की रात नगरी ब्राह्मणो ज्ञान दुर्बल। एक एक शब्द सुनने लायक है। दरिद्रो रस विक्रेता देव धर्म परांगमुख। वर्णन किया गया है कि एक ब्राह्मण था जिसका नाम था देवराज। रंग रूप से बड़ा बढ़िया था लेकिन काम इसका बड़ा खोटा था। लिखाएं इसमें रस विक्रेता, शराब बेचता था। धन कमाने के बड़े साधन हैं तो क्या जरूरी है कि ऊट पटांग व्यापार करके धन कमाया जाए। व्यापार ऐसा कीजिए कि किसी शादी विवाह में आप जाएं, किसी ने पूछे भैया क्या करते हैं आप, तो आप धड़ल्ले से आप बता सकें कि हमारा यह कारोबार है, हमारा यह व्यापार है। शराब के कारोबारियों को परिचय देने में बड़ी लाज लगती है। ऐसा काम कीजिए जिसमें इज्जत हो, काम भी इज्जत देता है। तो जाति से ब्राह्मण है और काम उसका बड़ा खोटा है। क्या करता है? दरिद्रो रस विक्रेता, नशा करने वाले, नशा बेचने वाले तो दरिद्र ही होते हैं। दरिद्र शब्द लिखा दरिद्रो रस विक्रेता वेद धर्म परांगमुख। व्यक्ति का जैसा कार्य होगा उसका वैसा ही विचार होगा। तो धर्म परांगमुख, धर्म से बहुत ज्यादा दूर था। संध्या स्नान वृष्टो वैश्य वृत्ति परायण, कभी तो नहाता नहीं है, स्नान करता नहीं है, संध्या वंदन करता नहीं है और देवताओं के मठ मंदिर में कभी जाता नहीं। देवराज ते ख्या तो विश्वस्त जनवंश का नाम कितना बढ़िया रख दिया गया। नाम है देवराज, ऐसा रख दिया है नाम जैसे किसी अंधे व्यक्ति का नाम नयन सुख रख दिया जाए, दिखाई देता नहीं है उसको नाम रख दिया नयन सुख। घर में नहीं है पटुली, नाम रख दिया जाए तखत सिंह, ऐसा ही नाम है। काम है बड़े खोटे और नाम है देवराज। देवराज का अर्थ होता है जो देवताओं को अभी राजा है, इंद्र, इंद्र का नाम देवराज है, ऐसा नाम उसका रख दिया। सभी प्राण क्षत्रियान वैश्यान शूद्रश शाप तथा परान, ऐसा कोई वर्ण का व्यक्ति नहीं था जिसको इसने न मारा। कभी कभी लोग जाति से तो उच्च श्रेष्ठ जाति के होते हैं लेकिन काम उनके बड़े खोटे होते हैं। व्यक्ति अपने कर्मों से पावन बने, पवित्र बने, कर्मों से ऊंचा बने। कर्म हमारा अच्छा कुल के पाप को धोता है। सांवरिय का प्रेमी होकर क्यों तू रोता है कि तू कर विश्वास है प्यारे, सांवरा साथ है प्यारे। कर्म हमारा अच्छा कुल के पाप को धोता है। हमारे और आपके कर्म बढ़िया होने चाहिए, अच्छे कर्म होने चाहिए। मैं रेवाड़ी की पवित्र व्यासपीठ से निवेदन करूंगा, भोर में आप जागते हैं तो धरती माता को प्रणाम करके ही बिस्तरा छोड़ो। मेरे तो महाराज जी कहते हैं जो धरती को मत्था टेकता है उसका खीसला कभी खाली नहीं होता। खीसला जानते हो? जेब, उसके पॉकेट में, उसकी जेब में कभी भी कमी नहीं आती। धरती माता को निंद वंदन प्रणाम कीजिए। झाड़ू पोंछा लगाते समय कीड़े मकोड़ों को देखते रहिए, जीव अत्याना। स्नान करके तुलसी चयन कीजिए, फूल तोड़िए, फूल के गमले कुछ घर में लगाइए। जिस घर में फूल लगते हैं उस घर में धन की वृद्धि होती है, घर में हर प्रकार से बरकत होती है। देवताओं को पुष्प चढ़ाइए, फूल चढ़ाइए, जीवन का आनंद लीजिए। परमात्मा ने बड़ी कृपा करी है, आज मनुष्य जीवन हमें और आपको मिला है, इस जीवन को ऐसे ही मत गवा दीजिए। रोने में पूरा दिन निकाल देते हैं, बच्चा बोलता नहीं है, बहू नहीं बोलती। अरे 100 बार न बोलें, धरती आपसे बोल रही है, आकाश आपसे बोल रहा है, हवा आपसे बोल रही है और किसी न किसी बहाने भगवान भी आपसे बोल रहे हैं और आप अनुभव नहीं कर पा रहे।